वेलकम। कौन चिप रहा है, कौन चिप रहा है? कैसा रहा हॉलीडे के बाद फर्स्ट डे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। ठंड भी लग रहा था क्या, जा रहे थे तो सुबह? नहीं मम्मी। हाँ बेटा, जर्मन का कुत्ता आ गया था। जर्मन कुत्ता आ गया था, कहाँ पर बेटा? रोड पर, बहुत बड़ा, मेरे से भी बड़ा। आपसे भी बड़ा था जर्मन शेफर्ड? हाँ। तो आपको बहुत अच्छा लगा जर्मन शेफर्ड? आपको बहुत अच्छा लगा? अच्छा। क्या चाहता तो यहाँ तक दौड़ा, दौड़ देता, दौड़ा देता। हाँ, चाहता, गुस्सा आता, बहुत तेज दौड़ता तो यहाँ तक, बाइक के पीछे तक पहुँच जाता। हम पूछे बाबू का स्कूल कैसा रहा बेटा, तो बाबू जो डॉग देखा है आते हुए रास्ते में उसी का बता रहा है। ईशान कैसा रहा फर्स्ट डे हॉलीडे के बाद? लंच किए थे फिनिश? हाँ। जो बड़ा बड़ा भैया बोलता ना कि पानी गिरा देना। ओ, टॉयलेट गए थे तो? हाँ। पैंट खोल लिए थे अच्छे से? हाँ। और सुसु नहीं ना हुआ था चड्डी में? हमको बाबू कहते हैं। कौन? बड़ा क्लास के बच्चा तो है। हाँ, तो तुम बाबू ही तो हो, तो तुम बाबू ही तो हो, छोटा ही तो। ठीक है, हमको बोले गुड बॉय। तो रहा था जब मैम जी के कले, मम्मी आपको वैल्यू एजुकेशन का बुक देना चाहिए था। ओ, आज रूटीन में तो है ही नहीं, तो मैम मैसेज कर देती वैल्यू एजुकेशन का। गलती से आप कर दी होंगी, जो ट्यूसडे को है ना, मैं जा लिखे है वहाँ पे वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। मैं तो होना चाहिए, इधर चेंज हुआ ना, इधर चेंज हुआ ना, तो मैम को नोटिस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। तो हम पे चिल्ला क्यों रही? नहीं, आप बोल रही है मम्मी आपकी गलती की, इधर वो चेंज की रूटीन, तो रूटीन चेंज की है जब, तो उनको भेजना चाहिए था ना नोटिस कि ट्यूसडे के ट्यूसडे को वैल्यू एजुकेशन का बुक देना है। तो जो आप रूटीन लिख कर पहले से आप जो भेजी है उसके अकॉर्डिंग बच्चा ले ही जा रहा है, जो एक्स्ट्रा लिख कर मैसेज करती है वो बच्चा को दिया ही जाता है, तो क्या वो सपना में आएगा क्या? सो फ्रेंड, देखिए मैं चेयर को बदल कर, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रक, मिनी ट्रक, इसके जैसा दिखता है ना मम्मी, देखिए मैं। हाँ बेटा, ये तो सेम आप बनाए, कितनी देर से बना रहे हो ईशान? उसी देर से। अरे, एक घंटा से ये लड़का लगा हुआ है ये बनाने में। अब कितना देर और लगेगा ईशान? बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, जल्दी खत्म करो, फर्श से उठो। इस तरह से फर्श पे नहीं बैठते बेटा, बहुत ठंडा, ये कितना फर्श ठंडा लग रहा है एकदम। मम्मी लगा दीजिए ना। कहाँ लगा दे, देखो चुभे नहीं पैर में? इसमें लगा दीजिए ना, इसमें करके। इमे हाथ कैसे जाएगा इधर अंदर, इतना देखते हैं इसमें। इतना बारीक ये सब काम रहता है, बताओ, इतना बारीक रहता है, है? हम लोग तो बचपन में ऐसा कुछ देखे भी नहीं थे किस तरह का भी कुछ खिलौना आता है। ऐसे रहेगा ये? थैंक यू मम्मी। वेलकम बेटा। तो बहुत अच्छा ईशान, सच में तुम इसका तो तारीफ करना होगा बेटा, तुम माइंड ब्लोइंग एकदम ये सब चीज करते हो, इतना छोटा छोटा नट वोल्ट है सबको कस के इतना अच्छा तुम बना लेते हो, ये बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ। और ये सीट भी बना दिए हो ना, ये सीट भी बना दिए हो, लेकिन सीट तुम्हारा टाइट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हिल रहा है। चलो अच्छा है, ड्राइवर जब बैठेगा तो दोनों तरफ ही घुमा के देख सकता है ना, दोनों तरफ क्या, चारों तरफ घूम के देख सकता है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। और इसी तरह से अगर तुम मेहनत पढ़ाई में भी कर दो, फिर तो बात ही क्या है रह जाएगा, है ना, फिर तो एकदम मजा आ जाएगा। और ईशान को ये जानकर बहुत खुशी होगी
कि आपके सेकेंड टर्म के टेस्ट का कि कौन से चैप्टर से आएगा, वो मैम भेज दी है रूटीन। मम्मी लेकिन हम क्या किए थे, क्या किए थे बेटा? मैथ, मैथ में क्या किया था बाबू? आज 100 हुआ था पेज, पेज नंबर 100। देखिए तो हम क्या किए थे मम्मी, देखिए ना। अच्छा ये लिखना था? हाँ, तो हम क्या लिखे हैं? ये बहुत अच्छा लिखे हो ईशान, 11 रुपीज एंड 50 पैसे इसी तरह से लिखते हैं। बहुत अच्छा, अरे मम्मी देखिए, बहुत अच्छा लिखे हो, राइटिंग भी बहुत अच्छा। हॉलीडे के बाद मैं काफी दिनों के बाद स्कूल गया था और आज ही मुझे पता चला कि मेरे सेकंड यूनिट टेस्ट का प्रोग्राम आ चुका है, तब मुझे पढ़ाई करनी होगी। मैं आपसे मिलूंगा कल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।